सोलन में कोरोना संक्रमण ना फैले इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार नियम बना रहा है और लोग उसका पालन करें इसके लिए उचित कार्रवाई भी कर रहा है। इसी उद्देश्य से कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी कर सोलन के माल रोड को पूर्ण रूप से खोल दिया है। पहले सोलन का माल रोड शाम के समय करीबन 2.5 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है और इस दौरान वाहन माल रोड पर नहीं चल पाते थे। जिलावासी शाम को यहां घूमा करते थे। जिला प्रशासन को एहसास हुआ कि अगर लोग शाम को माल रोड पर घूमते रहे तो ये कोरोना संक्रमण बढ़ने का कारण बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने माल रोड को पूरी तरह से खोल दिया है। इस आदेश का व्यवसायियों पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। माल रोड को खोलने के आदेशों पर कुछ व्यापारी बेहद खुश नजर आए और उन्होंने जिला प्रशासन की इस पहल को बेहद सराहा और कहा कि जिला प्रशासन ने ये कदम उठाकर कोरोना को फैलने से रोक लिया है। वहीं कुछ व्यवसायियों ने कहा कि बसों में पहले जिला प्रशासन ने 100% सवारियां कर दी, शादियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण फैल चुका है तब वे तरह तरह की रोक लगा रहे हैं। जब शाम के वक्त माल रोड बंद होता था तो शहरवासी यहां आकर घूमते थे और साथ में वे खरीदारी भी करते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने आम जनता का घूमना बंद करवा दिया है। वाहनों को आने जाने की छूट दे दी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बेहद कम निकल रहे हैं और उनका व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर रोक लगानी ही थी तो उचित समय पर शादियों पर रोक लगानी चाहिए थी। मैं मेहुल गुप्ता, सोलन का स्थायी निवासी, मैं इस डिसीजन को एज अ व्यापारी एक्सेप्ट करता हूं और एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा मूव जो रही है ये व्यापारी वर्ग के लिए। जैसे कि हम सब पहचानते हैं कि भी जब 5:30 बजे से 7:30 बजे तक माल रोड बंद रहता था तो ओल्ड बस स्टैंड और उसके नियर बाय एरिया तक जाने के लिए हमारे को या कोई भी मटेरियल पहुँचाना है या लेके आना है तो हमारे को पूरा राउंड अबाउट घूम के जाना पड़ता था। पर अब उस चीज़ में हमारे को एक सुविधा या एक प्लस पॉइंट सरकार ने दिया है। ये ज़रूर है कि जी इसकी वजह से शाम को जो मॉल रोड पे लोग घूमने आते थे वो अब नहीं घूम पाएंगे, ये एक ड्रॉबैक भी है, पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, ड्रॉबैक कम है। नहीं जी, सरकार का जो निर्णय बहुत सही निर्णय है, जो COVID-19 का जो खतरा, जो भीड़ भड़का थोड़ा उसको कम करने के लिए ट्रैफिक खोला गया है, तो वैसे भी ठंड का मौसम है, थोड़े लोग थोड़ा घर से बाहर ना निकले शाम के समय तो अच्छा है, तो उसमें आम लोगों को भलाई है, इसमें भीड़ भाड़ कम रहेगी, इसमें टूरिस्ट यहाँ नहीं रुकता। टूरिस्ट का जो है अगर उसका रास्ता वो बाईपास से भी जा सकता है, टूरिस्ट यहाँ मार्केट में गाड़ी लेके नहीं रुकता, यहाँ ना यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले उनको रुकने देते हैं, मिनट में चलान हो जाता है यहाँ पर। ये मार्केट में खैर इतना नहीं है, वृद्ध लोग तो वैसे भी गवर्नमेंट ने मना करके 65 से ऊपर वैसे उनको नहीं आना चाहिए माल रोड पर और बच्चों को नहीं आना चाहिए, तो इस लिहाज से तो ठीक है। वैसे तो बाकी टूरिस्ट तो अपना इतना यहाँ रुकता नहीं है इस टाइम, वो बाईपास से निकल जाता है यहाँ से, इस मार्ग पर बहुत कम ही आता है इस टाइम। ये जो आपने खोला है इसका कोई सॉलिड रीजन तो नहीं है, हमारे हिसाब से तो इसको बंद ही रखना चाहिए था। आपने खोला और ये एक रीजन देके खोला बिकॉज ऑफ कोविड स्प्रेड की वजह से। मैं एक क्वेश्चन आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से ये करना चाहता हूँ, जब शादियाँ थी और वहाँ पे अनकंट्रोल्ड शादियों में गैदरिंग हो रही थी तब तो आपने उसका कुछ नहीं किया। शादियाँ और कोई और गैदरिंग्स होती थी उसमें भी आप कोई चेक नहीं था और वो उसके टाइम कोविड नहीं था। मेरा तो पर्सनल व्यू है कि आप इसको बंद करें और इससे कोई कोविड तो नहीं फैलेगा। लोग अगर चलते हैं निकलते हैं सीधा चलते हैं सीधा निकलते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव अ फीलिंग कि भी आपको इसको बंद करके ही ठीक रहेगा और इसे बंद करने से लोगों के अंदर एक और जागरूकता आती है कि वो आए और शॉपिंग करते हैं, अपने घूमते फिरते आते हैं। अब तो कोई शॉपिंग करने का मूड में ही नहीं होता, बाजार में आते हैं गाड़ी में ही अपनी सीधी निकल जाते हैं, तो गाड़ी कहीं रोक नहीं सकते, गाड़ी रोकते हैं तो चलान होता है। क्योंकि इसमें बिजनेस में बहुत फर्क पड़ रहा है। मेरा पर्सनल व्यू है कि आप इस जो रास्ता है माल रोड वाला 5:30 बजे इसको आप बंद करें और इससे आई डोंट हैव अ फीलिंग कि भी इससे कोई कोविड फैलेगा, उससे बिजनेस भी बढ़ेगा और कोविड नहीं फैलेगा, ये आई थिंक आई हैव अ फीलिंग। जो रोकना था उस टाइम आप एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका नहीं, क्योंकि उस टाइम शादियों में अगर आप रोकते तो ये प्रॉब्लम ना आती।